तो सबसे पहले डल रहा है हमारा पास्ता, बॉयल हो रहा है। गाइस हमने इसके लिए नॉर्मल बटर नहीं, हमने इसके लिए मंगाया है गार्लिक एंड हर्ब्स वाला बटरी स्प्रेड। सो गाइस ये रहा हमारा पास्ता मिक्स, हमने इसके 4 पैकेट्स मंगाए हैं, रेड पेपरिका, एलपिनो और ब्लैक ऑलिव्स। इसके साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग, आए हो बहुत बढ़िया, बहुत मजे में होंगे। क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? तो वेलकम टू तरुण कुराला व्लॉग्स, इतना ही व्लॉग में आपका स्वागत है। ऐसी मैं डेली वीडियोस लेके आता हूँ, खाना पीना, घूमना फिरना। और आज रात को मैं मतलब सोया था इस टी शर्ट में, सिर्फ सोचो कि मौसम में थोड़ा फर्क आ चुका है। तो अब चलते हैं अंदर और दिखाते कि आज क्या स्पेशल, वरना बिना स्किप करिए देखेगा पूरी वीडियो, देखना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि आज क्या बन रहा है। बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है। मॉर्निंग शेफ्स, गुड मॉर्निंग। सो ये रहे हमारा शेफ अमित आज के लिए। अमित भैया क्या बना रहे हैं आप? हम बना रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता, एकदम यम यम। ओके, तो सारी चीजें यहाँ पे रेडी है, पास्ता, सारी सॉसेस और अपनी जो जो इसके अंदर डलेगी। और चाची नमस्ते, वहाँ पे आप सब्जियाँ फ्राई कर रही हैं? yes. सब्जियाँ सौटे हो रही हैं फिलहाल। तो अभी इसका जब एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट होगा पास्ता का, तो हम आपको दिखाते हैं। ओके तो सबसे पहले डल रहा है हमारा पास्ता, बॉईल हो रहा है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही हमने डिमांड करी है अमित से। तो सबसे पहले हमने डाल दिया इसके अंदर पास्ता बॉयल होने के लिए। सूजी वाला प्रेफर करते हैं हम बेसिकली, तो आप अपना देख सकते हैं कि आपको कौन सा खाना है। फिलहाल ये मैदा वाला नहीं है, ये सूजी वाला है। वहाँ पे सब्जियाँ फ्राई हो ही रही हैं ऑलरेडी। आप कुछ बताएं ना शेफ। अभी तो इस पर फोकस कर रहे हैं, तो इसके बाद हम आपको बताएंगे। ओके, अभी क्या है, पास्ता ऑर्डर? पास्ता ऑर्डर है क्योंकि तब की डिमांड है, तो दो टाइम खाना है। सो गाइज हमारा पास्ता तो उबल चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम लिक्विडी है, ऐसे हो चुकी है, ऐसे एकदम जैसे होती है उबली हुई। अब हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी सॉटे हो चुकी हैं, आप देख सकते हो कि हमारी वेजिटेबल्स रेडी हैं एक तरह से, और हमारा पास्ता भी बॉइल्ड है। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं शेफ? अब हम इसकी ग्रेवी बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस की। ओके, तो ठीक है सर, अब हम देखते हैं कि आप ग्रेवी कैसे बनाते हैं, वो आपको देखना है। आपकी शक्ल तो मोमो जैसी हो रही है इस समय, पर हम देखते हैं कि हम पास्ता की ग्रेवी कैसे बनाते हैं। गाइस हमने इसके लिए नॉर्मल बटर नहीं, हमने इसके लिए मंगाया है गार्लिक एंड हर्ब्स वाला बटरी स्प्रेड, तो इससे और ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप देखो ये रहा हमारा बटर, तो ये अभी थोड़ा मेल्ट हो रहा है, हमने इसको क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फ्रोजन था साइड हो गया, और हमारा ये बटर तो रेडी है। गाइस अभी ग्रेवी बन रही है वाइट सॉस, तो उसके लिए डल रहा है इसके अंदर दूध। कितना दूध डलता है मैम इसमें? कभी इतने भी बना के देखते हैं। वैसे कितना है क्वांटिटी हमारी ऑडियंस को? 1 किलो के करीब तो होगा। 1 किलो सुबह 2 किलो दूध मैंने लाई थी। अच्छा, तो ये है 1 किलो, 1 किलो तो होगा या थोड़ा सा कम। सो इसके अंदर क्या डल रहा है? बटर। तो हमने गार्लिक बटर का आधा आधे से कम, 1/4 इसमें रख लें आप इसको, ठीक है। सो अब इसके अंदर क्या डल रहा है? ऑलिव ऑयल डल रहा है थोड़ा सा। सो गाइस ये रहा हमारा पास्ता मिक्स, हमने इसके 4 पैकेट्स मंगाए हैं ताकि इससे हम यूज़ कर सकें, और इससे सॉस बनती है। हम कम से कम 800 ग्राम के करीब पास्ता बना रहे हैं, तो एक पास्ता मेकर से सिर्फ 200 ग्राम पास्ता बनता है। तो ये अभी हम इसके अंदर सॉस डालने वाले हैं, सॉस मेकर आई मीन, तो इससे ये सॉस मेकर बनेगा, सॉस बनेगी सॉस मेकर से। हाँ सॉरी, सॉस मेकर से सॉस बनेगी। अब इसको हिलाएं। हाँ सर जी, ला मेरे को वो देना है, कर देते हो। गया हो गया हो गया सबको। तो ऐसे ही सॉस मेकर से सॉस बनेगी। तो अभी एक तो पैकेट डल गया, ऐसे 3 पैकेट और इसके अंदर अभी हम डालने वाले, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हम 800 ग्राम पास्ता बना रहे हैं।
मैं बोल अच्छा तो हम लोग इससे 12 रोटी डाल सकते क्योंकि ये खुद बना बना है। बना बना है, कुछ डालने की जरूरत नहीं। इस पास्ता मेकर की सबसे बड़ी बात है इसके अंदर काफी सारी चीजें, जैसे आप देख सकते हो फ्लोर, चीज, गार्लिक, अनियन, सॉल्ट, बेजल, ब्लैक पेपर, पार्सले, शुगर, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स एंड अपना फ्लेवर्स। तो उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका बन के निकलता है। अभी हम इसका पहली बार ही खा रहे हैं स्नैपटन का, बाकी जब बनेगा तो आपको देखने को मिलेगा ही कैसा है। फिलहाल अभी सॉस के लिए हमें 3 पास्ते के मेकर और डालने हैं। सो गाइज, ये हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, गाढ़ी हो गई है, फ्लेवर पूरे घर में आ चुका है इसका। ओके, आप क्या डाल रहे हैं इसके अंदर नेक्स्ट? थोड़ा टेस्टी मेयो डालेंगे। ओके, इसके अंदर एगलेस मेयो डाल रही है थोड़ी। मम्मी पीछे बर्तन धो रही है। हाँ, तभी पानी की आवाज़ आ रही है। सो गाइज, ये हमारी 3 ड्रेसिंग्स हैं जिसके अंदर है रेड पेपरिका, एलपिनो और ब्लैक ऑलिव्स। इसके साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। हम ये कल ही लेके आए हैं, तभी बिल्कुल सील पैक बॉटल्स अभी खुली हैं। और आप लोगों को सबसे बेहतर चीज़ ये ध्यान रखनी है कि तीनों का चम्मच अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इससे इनमें फंगस लग सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें सबके इनके चम्मच अलग अलग ही यूज़ करें। सो गाइज, मनीष क्रिश का पास्ता तो रेडी हो गया। क्रिश, ये आपका पास्ता। ओ भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इसको टेस्ट करो और बताओ कैसा लगा। ये गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करा है। पास्ता खा के बताना गार्लिक ब्रेड नहीं। जो हम क्रिश का टेस्ट ले रहे हैं, मस्त मस्त बना मनीष। अच्छा बना, खा के बताओ, मुंह में डालो। खा लिया? नहीं, एक बार मेरे सामने। सर इधर, सर एक बार इधर पोस पोस। सर खाते हुए कैसा? हमारा पास्ता रेडी हो रहा है, पहले मनीष क्रिश के लिए बना देते, इसलिए थोड़ी प्लेट ऐसे रही। हमने डाल दी सबसे पहले सॉर्टेड वेजिटेबल्स, अब उसके बाद डाल रहा है पास्ता। जैसे लाइव पास्ता होटल ही होते हैं। हाँ, ये लाइव पास्ता जैसे तो ये अभी लाइव पास्ता के लिए डाला है। साथ साथ सॉस हमारी कड़ी रही है और यहाँ पे गार्लिक ब्रेड भी रेडी हो रही है। ओके, ये हम साथ में लाए हैं गार्लिक ब्रेड और उसको हम अपना एयर फ्रायर में चीज के साथ इसको अंदर डाल रहे हैं। इसके अंदर हम पहले इसको मिक्स कर रहे हैं और साथ साथ सॉस डाल रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा ग्रेवी चाहिए? हाँ, मुझे एक्स्ट्रा ग्रेवी चाहिए। तो गाइस, ये पास्ता तो मेरा बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। इसके ऊपर हमने टॉपिंग्स डाल ली, साथ में हमारा गार्लिक ब्रेड। तो अब इसको खाते हैं और टेस्ट करते हैं। आपको क्या चाहिए? तो गाइस, पास्ता तो बहुत ही टेस्टी बना था, अमित भैया ने बहुत अमेजिंग बनाया एंड लिटरली बहुत मज़ा आ गया खा के। आपको कैसा लगा पास्ता? आप भी अपने घर पे बना सकते हैं व्हाइट सॉस पास्ता। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मेरा फेवरेट बन गया। पहले मैं व्हाइट सॉस इतना नहीं खाता था, बट अब मैंने व्हाइट सॉस खाया। तो आप लोग भी ये रेसिपी अपने घर पे बना सकते हैं। मुझे बताना कि कैसा लगा ये ब्लॉग एंड पास्ता की रेसिपी। तो ये ऐसे ही आज ब्लॉग बन गया पास्ता रिलेटेड। तो अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तरुण खुराना साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय, गुड नाइट।